धानी साहब, धानी साहब, धानी साहब, क्या हुआ आपको? केसर माँ, केसर माँ, जी मार को केसर माँ, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हॉस्पिटल जाना है। जी मेडिकल टेस्ट हुए, ब्लड के सैंपल्स भी बड़े हॉस्पिटल भेजे गए। हम डॉक्टर से कोई सवाल पूछ पाते उससे पहले ही doctor? If I'm not mistaken, Mrs. Veer, your husband is suffering from tetanus. It's a very rare condition. It affects only 1 in 1,000 people. The disease was discovered in Germany by a Japanese doctor, but the medicine for curing it has not yet been found. Doctor, हमें समझा रहे थे, पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि जिस बीमारी का नाम लिया जा रहा है, उसका इलाज मेडिकल साइंस में अब तक निकला ही नहीं था। पर इत्मीनान बस इसी बात का था कि इंजेक्शन के बाद उन्हें थोड़ी सी नींद आ जाती थी और आराम भी। For you from your residence. George, take me home. काला जादू है ये, इसका इलाज डॉक्टर की सुई से नहीं होगा। केसर माँ, ऐसे अच्छे इंसान पे कोई काला जादू क्यों करेगा? दुश्मनी करना तो दूर, उन्होंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। महाभारत और रामायण के देश में पैदा हुई हैं आप। यहाँ कैकेयी और दुर्योधन हर मोड़ पे मिलेंगे। कुवरसा की सौतेली माँ ने उन्हें कभी प्यार नहीं किया, इसलिए राजा साने बचपन से उन्हें दूर पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि घर का यह बुरा माहौल उन पर असर ना करे। लेकिन छोटी रानी अच्छे से समझ गई थी कि जब तक कुंवर सा सही सलामत है, उनका अपना खून राजा सा की गद्दी पे कभी नहीं बैठ पाएगा। इसलिए राजा सा के बुढ़ापे में उन्होंने ये सब चाल चली। हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की हमारे कुंवर सा पे हाथ डालने की? चलिए सूर्य प्रताप, चल के जरा बातचीत कर ले उनसे। हेलो, आग बुझाने के लिए आग नहीं पानी की जरूरत होती है, और फिर ये तो वो आग है जो सामने से नजर ही नहीं आ रही। आपको क्या लगता है,
कि आप जाकर उनके ऊपर इल्जाम लगा देंगे और वो चुपचाप गर्दन झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। जान तो हम अपने दुश्मन की कभी भी ले लेंगे, मगर इस वक्त हमारा मकसद जान लेना नहीं, अपने कुंवर साहब की जान बचाना है। तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे चुपचाप बैठे रहेंगे बाबा साहब? ये हमने कब कहा? उन्हें जवाब देना है तो जुबान भी उन्हीं लोगों की बोलनी होगी। बाबा के पास चलने की तैयारी करो, इस काले जादू का उपाय जरूर उन्हीं के पास होगा।